Today we are going to study about cell. So there are important topics are eukaryotic cell and prokaryotic cells. तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेल, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स बाय साना मैम. तो ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये है सेल स्ट्रक्चर. ये क्या है? सेल स्ट्रक्चर. तो आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं. ये है हमारा सेल स्ट्रक्चर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. फर्स्ट इज द डिफिनेशन ऑफ सेल. अ सेल इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो सेल की डिफिनेशन क्या है? सेल क्या है? सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है टाइप ऑफ सेल. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? टाइप ऑफ सेल. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, डिपेंड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. द सेल इज़ डिफ्रेंशिएटेड इन टू टू कैटेगरीज, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. अब जो सेल है इसके तो टाइप तो हमने देख लिए कि यूकैरियोटिक सेल्स है और प्रोकैरियोटिक सेल्स है. और जो टू कैटेगरीज है वो एनिमल सेल है एंड प्लांट सेल्स है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट इज़ अवर फिगर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. So, structure of cell. A cell is a consist of three parts of the cell membrane, nucleus and cytoplasm. तो cell membrane, nucleus और cytoplasm से मिलकर हमारा क्या बनता है? Cell बनता है. So, जो cell membrane है, the cell membrane separate the material outside cell is extracellular, outside cell is a extracellular from inside the intracellular. The nucleus formed by nuclear membrane. Nucleus is formed by nuclear membrane around a fluid is the nucleoplasm. Is the control center of the cell. तो जो nucleus होता है वो cell का central होता है, जो cell की सारी activities को क्या करता है? Control करता है. और जो nuclear membrane के around, nucleus formed by nuclear membrane. Nucleus बना किससे है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना है. अराउंड अ फ्लड, और जो फ्लड प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. नाउ थर्ड वन पॉइंट इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक फ्लड इनसाइड द सेल. साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द सेल, एंड इट इज अ जेल लाइक सब्सटेंस. सो वी कैन सी दैट इट इज अ यूकैरियोटिक सेल फिगर इन विच देर आर नंबर ऑफ points in the cell. Cytoplasmic membrane, endoplasmic reticulum, ribosomes, nucleus, nucleolus, nuclear membrane, Golgi, cytoplasm, mitochondria and the chloroplast. So these are the component of the eukaryotic cell. Now come to the next point, definition of eukaryotic cells. Eukaryotic cells are defined as cells containing organized nucleus and organelles which are enveloped by membrane bound organelles. तो जो eukaryotic cells हैं वो क्या है? वो एक organized nucleus है और organelles है which are enveloped by membrane. जो किसके through enveloped है? Membrane bound organelles के through. जिसके हम examples देख सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और प्रोटिस्ट में. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स द न्यूक्लियस. यानी कि ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे न्यूक्लियस की क्या है? कमी है. एंड अनदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. सो वी कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज देयर E. coli, Bacillus anthracis and Bacillus cereus. Now we can
see that prokaryotic cell structure where nucleotide DNA is present, cytoplasm is present, ribosome is present, pili small structure, hair like structure or fine thin structure is a pili, capsule is present, it is a cell wall or outer membrane, it is a plasma membrane and it is a plasmid or a DNA. We can see here plasmid or a DNA, and it is a flagellum. It is a flagellum. Now see animal cell. So it is our animal cell in which number of components present like Golgi apparatus, cytoplasm, nuclear envelope, nucleus, ribosome, lysosome, endoplasmic reticulum, cell membrane and mitochondria. तो सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होती है, एनर्जी सेव होती है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी टू टाइप्स के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये वाला जो है ये कैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया ये है न्यूक्लियस. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल सेल. एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स दैट हैव बोथ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और बॉन्डेड ऑर्गेनल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एनिमल सेल. Now see the figure of plant cell. So in plant cell we can see that there are number of components present like a cytoplasm, nucleus, ribosome, chloroplast, ameloplast and peroxisomes. Here cell wall, cell membrane, vacuole, mitochondria and Golgi apparatus. And here also same as like animal cell we can see that endoplasmic reticulum is present here. So we can see the definition of plant cell. A plant cell is a eukaryotic cell. Plant cell kya hai? Ek eukaryotic cell hai. Eukaryotic cell hai. So that contains the true nucleus and certain organelles. तो वो किसको contain करते हैं? True nucleus को भी contain करते हैं और organelles को भी contain करते हैं. और ये दोनों का काम है कि टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो जो ऑर्गेनल और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ये स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. सो वी रीच द एंड ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स. और हमने आज जो पढ़ाई की है वो क्या क्या पढ़ाई की है फिर से एक बार रिवाइव कर लेते हैं. हमने देखा है डिफिनेशन ऑफ सेल, उसके बाद टाइप ऑफ सेल देखा है, कैटेगरीज देखी हैं, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा है, उसके बाद हमने क्या देखा है, यूकैरियोटिक सेल देखा, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल देखा, उसके बाद एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स. तो यहाँ पे हमारे सेल्स की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो प्लीज़.